It's a basically patient-centered framework in for the therapist and the ergonomics. Basically, एक therapist का ergonomics के अंदर काम क्या है? एक environment का person का environment के अंदर उसके साथ occupation उसका वो कैसे काम करता है? This is the basically center. Center क्या होगा? Client center का मतलब definitely we are talking about the health, the well-being. उसके अंदर वेलबींग का क्या पर्सन का एनवायरनमेंट ऑक्यूपेशन और पर्सन का हेल्दी होना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गोनॉमिक्स इज आल्सो इज अ पार्ट ऑफ द योर हेल्थ. क्लाइंट ऑर्गोनॉमिक्स अप्रोच क्या होंगी कि वर्कर ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क एज यू नो दैट कि हमने पढ़ा था कि एक टीम वर्क होना चाहिए तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वर्कर अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे. ऑक्यूपेशनल ऑर्गोनॉमिक्स क्या स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं जो ऑर्गोनॉमिकली ऑक्यूपेशन के अंदर जैसे कोई लेबर है और उसको जो है एक ऑर्गोनॉमिकली वर्क स्ट्रेटेजीज दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को वर्क परफॉर्मेंस के अंदर अपना फंक्शन वर्क प्लेस के अंदर जो है प्रॉपरली कर भी पाएगा और क्या करेगा प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, उसको जो इंजरी के नाम से उससे बचेगा. ठीक है, रिटर्न टू द वर्क का मतलब है कि वर्कर्स के अंदर कोलैबोरेटिंग प्रोसेस एम्प्लॉयर हेल्थ प्रोफेशन एस्टेब्लिशिंग प्लांटेशंस और एबिलिटिंग द वर्क. इसका मतलब है कि जो जॉब फॉर एग्जाम्पल एक इंजरी रिटर्न टू वर्क का मतलब है कि एक इंजर्ड है और उसके बाद जो है रिज्यूम कर रहा है इंजरी की वजह से जॉब और दूसरी जो है स्टार्ट कर रहा है जॉब, तो दिस इज बेसिकली डेफिनेटली उसके कोलैबोरेटिव वर्क प्रोसेस के अंदर चेंजेस आएंगे. पर्सनल एनवायरनमेंट ऑक्यूपेशनल मॉडल क्या होता है कि ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस जो है ना फैक्टर और इंटर रिलेशनशिप जो लोगों के बीच में एनवायरमेंट के बीच में ऑक्यूपेशन के बीच के अंदर जो है ना इंटरेक्शन करे. ठीक है, दिस इज अ बेसिकली पीईओ जिसको हम बोलते हैं द पर्सन एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशन मॉडल. ठीक है, ये आपके सेंट्रली ऑर्गेनोमिक अप्रोच को क्या करता है अप्रोच करता है. बेसिकली क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट जो ऐसा है क्लाइंट सेंटर्ड ऑर्गेनोमिक्स प्रैक्टिस इंक्लूडिंग इसके अंदर क्या आएगा, वर्कर आएंगे, वर्क प्लेस ग्रुप आएगा, ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, एम्प्लॉयर आएगा, सुपरवाइजर आएगा. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली होता क्या, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस ऑफ द फिटिंग वर्क टू द वर्कर्स, एक प्रोसेस होगा फिटिंग वर्क का टू वर्कर. इसके अंदर एबिलिटी हो कि इंडिविजुअल को कि सेफ्टी एफिशिएंटली वो काम करे, सेफ्टी से काम करे, कॉन्स्टेंटली हाई प्रोडक्ट दे, रिलेशनशिप जो है वर्कर ऑक्यूपेशनल वर्क एनवायरमेंट से अच्छी हो, तो डेफिनेटली वर्क प्लेस अच्छा होता है तो मोबिलाइजेशन सपोर्ट हो, रिसोर्सेज हो, बेस्ट प्रैक्टिस ऑर्गोनॉमिक्स के अंदर हो, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा लीड आउटकम जो है उसका पॉजिटिव देगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर वर्कर है, अगर उसको ऑर्गोनॉमिकली चेयर मिल रही है, ऑर्गोनॉमिकली ऑन द बेसिस ऑफ उसका जो कंप्यूटर है उसके हैंड के अंदर उसकी उसकी जो बॉडी है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गोनॉमिकली अगर, तो डेफिनेटली उसके इंजरी के चांसेस कम है, उसको नेक पेन कम होगा, उसको हेडेक कम होगा, उसकी आईसाइट कम होगी जो है कम नहीं होगी. और उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इतने घंटों तक आप जब टूवर्ड ग्रेविटी लैग भी अगर आप जो है लटकाए रहते तो उसकी वजह से भी जो है लैग के अंदर जो इंजरीज होते हैं वो भी कॉमन होती हैं. अगर ऑर्गोनॉमिकली उसको जो है वर्क एनवायरमेंट मिलेगा और टीम वर्क मिलेगा, इवन उसकी बॉडी के ऑर्गोनॉमिकली अगर उसको चेयर और टेबल मिलती है तो उसका क्या, उससे क्या होगा उसकी जो नेक इंजरीज है वो नहीं होंगी, उसकी लैग इंजरीज नहीं होंगी, तो वो क्या करेगा डेफिनेटली हेडेक्स नहीं होगा, उसका हेल्थ अच्छी होगी, तो वो क्या करेगा अपनी कंपनीज के अंदर हाई प्रोडक्ट क्वालिटी वर्क करेगा बिकॉज ही कैन नॉट बी गेट इंजर्ड. तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली क्लाइंट सेंटर इकोनॉमिकल प्रैक्टिस. ठीक है, क्लाइंट पार्टिसिपेशन कैसे उस चीज को अप्रोच करे और इनकी जो पार्टिसिपेशन क्लाइंट की इंक्रीज करे, डेफिनेटली बेटर आउटकम हेल्थ होगा तो डेफिनेटली क्लाइंट सेंटर अप्रोच आएगा और क्लाइंट पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी. प्रैक्टिस उस चीज की जो गोल है रीच करने के लिए और उसकी प्रैक्टिस आउटकम इंप्रूव होंगे तो डेफिनेटली उससे
क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली उसका हेल्थ इंक्रीज होगा. Client centered practice is a collaborative alliance between the client and the therapist designed to use their combined skill, their strength, resources to the work toward the client occupational performance goal. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है आपके पास, अगर आप उसको जो है अगर आपके पास अगर एक थेरेपिस्ट के पास स्किल्स नहीं होंगी, अगर एग्जाम्पल्स दे रहे कि उसको जो है सही करने की उसको जो है टेक्निक्स नहीं होंगी, तो डेफिनेटली वो क्लाइंट को क्या करेगा, सेटिस्फिकेशन नहीं दे पाएगा. सेटिस्फिकेशन से ज्यादा जो आपका काम होता है वो इंजरी से प्रिवेंशन होता है, जो विच इज अ वेरी प्रोफेशनल, कि उसके प्रोफेशनल जो है या वो उसके ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा. तो दिस इज अ बेसिकली क्लाइंट और रिलेशनशिप के अंदर डिजाइन है, जिसके अंदर ये तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्या उनको स्किल्स, स्ट्रेंथ एंड रिसोर्स टू द वर्क. स्किल्स होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और जो है ना रिसोर्सेज टू द वर्क का मतलब है कि वो वापस अपने काम के ऊपर ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस का गोल जो परफॉर्म कर पाए या नहीं कर पाएगा. दिस इज बेसिकली अप्रोच. नाइन प्रिंसिपल है क्लाइंट सेंटर्ड प्रैक्टिस के ऑर्गेनोमिक्स के अंदर. कौन कौन से है? पार्टिसिपेटिंग पेनिट्रेटिंग थ्रू द प्रोसेस फर्स्टली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, के पार्टिसिपेशन थ्रू आउट जो ये नाइन प्रिंसिपल से क्रॉस हो रहे हैं तो उसकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है. ठीक है, रिस्पेक्टिंग एनेबल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन चॉइस नीडेड एंड नॉलेज. डेफिनेटली रिस्पेक्टिंग वर्कर की ऑर्गेनाइजेशन चॉइस नीड, उसकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. फोकस ऑन द पर्सनल एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशन, address the physically comfort and emotional support need of the client, fostering opening and transport communication knowledge exchange, establish the share the vision of the ergonomical management, establish share and realistic goal among the work parties, creating appropriate the engaging workplace parties and forums of and decision making, ensure the flexible individualized occupational therapy approach. These are the nine basically client-centered जो practice ergonomics के अंदर होती है कि definitely participation बहुत जरूरी है. उसके बाद जो है organization का choice need, knowledge बहुत जरूरी है. Person की environment की occupation जो है person की वो बहुत अच्छा होना चाहिए. उसको physically comfort के साथ emotionally जो नीड्स है क्लाइंट की वो भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसकी फिजिकली के साथ. और कम्युनिकेशन नॉलेज एक्सचेंज होनी चाहिए. ठीक है, दीज आर द बेसिकली नाइन क्लाइंट सेंटर्स प्रैक्टिस विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है इनके ऊपर वर्क करना चाहिए बेसिकली. ठीक है, द पीओ मॉडल क्या होता है, द पर्सन ऑक्यूपेशनल जो एनवायरमेंट है वो क्या है. दिस इज द बेसिकली suitable planning for the patient-client intervention both person and environmental level. दोनों की level, एक personally, definitely personally करके मतलब हम emotion की बात कर रहे हैं. Environmental level का मतलब वो जहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, उसका environment. Environment define कैसे करेंगे, आपका culture, socio-economical, institutional on the structure and the social element. मॉडल जो है, दिस जो पीईओ है जो जिसके अंदर पर्सन और एनवायरनमेंट ऑक्यूपेशन मॉडल है, ठीक है, ये मॉडल प्रैक्टिकल टूल क्या करता है, कम्युनिकेट प्लान ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस इंटरवेंशन को क्या करता है, कॉन्सेप्चुलाइज करता है कि ये टूल है बेसिकली. इन चीजों का तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, एक पर्सन, एक एनवायरनमेंट और ऑक्यूपेशन. एक पर्सन जिसको डेफिनेटली नीड है ऑटोनॉमिकली सही होने की या हेल्थ की, उसका एनवायरनमेंट और वो कहाँ पे काम कर रहा है. इमेजिनेटेड इंटर रिलेटेड स्फीयर मूव रिस्पेक्ट टू ईच अदर. डेफिनेटली ये क्या है, एक सर्कल ही काम करता है जो स्फीयर तरीके से कि हाउ कंटिन्यूसली ऑक्यूपेशनल काम करता है. एक पर्सन ऑक्यूपेशन के अंदर एंगेज होता है और उस जो एनवायरनमेंट से इंटरलिंक्ड होता है बेसिकली. दिस इज द मॉडल, दिस इज अ पर्सन के ऑक्यूपेशन और एनवायरनमेंट के साथ कैसे लिंक होता है. डेफिनेटली एक पर्सन है, उसकी हेल्थ, उसका ऑक्यूपेशन जो उसका काम है, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जो वो काम कर रहा है, जैसे डॉक्टर्स का काम है, डॉक्टर करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट का काम है, डेंटल का काम है, और उसके साथ एनवायरनमेंट बहुत मैटर रखता है आपके इमोशनली एंड ऑल्सो फिजिकली.
है तो दिस इज कॉल्ड द मॉडल. ग्रेटर द डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन कॉम्पोनेंट इंक्रीज द कन्वर्जिंग पीओ पैचेस रिजल्ट इंप्रूव द ऑक्यूपेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव द जॉब. डेफिनेटली एक पर्सन का अगर ऑक्यूपेशन और एनवायरमेंट के साथ उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी तो ऑक्यूपेशन परफॉर्मेंस भी अच्छा करेगा और जॉब भी सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा आएगी. ठीक है, बेसिकली इस इंटरवेंशन का एम क्या होता है, ऑक्यूपेशन को परफॉर्म करना और पर्सन एनवायरमेंटल जो ऑक्यूपेशनल मॉडल है उसको करेज करना. ये टूल जो है क्लाइंट थेरेपिस्ट के लिए सिस्टमेटिकली एग्जामिन करता है कॉम्प्लेक्स जो है ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस इश्यू को रिजॉल्व करता है बेसिकली. ठीक है, मॉडल जो है फोकस करते हैं रिलेशनशिप, ये जो मॉडल है फोकस करता है कि जो रिलेशनशिप है वर्कर्स का वर्क एनवायरनमेंट के साथ वर्क इटसेल्फ कैसे और उस स्ट्रक्चर से इस मॉडल से क्या है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज हैं, ये इसके लिए स्ट्रक्चर है जो उसके अंदर जैसे एक वर्क के अंदर एक फर्म के अंदर कोई काम कर रहा है और जो है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है इट इज नॉट ओनली मेंटली फिजिकली भी जो प्रॉब्लम आ रहा है. तो ये पीओ मॉडल क्या करता है इसके 5-9 जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको वर्क करके प्रॉब्लम सॉल्व स्ट्रेटेजीज बनाते हैं. ठीक है, डिजाइन ये कैसे होता है बेसिकली इसका जो पीओ का डिजाइन है वो क्या करता है फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन विद द मेंबर ऑफ द वर्कप्लेस. डेफिनेटली क्या करता है फैसिलिटेशन करेगा कम्युनिकेशन करेगा ऑल द मेंबर ऑफ द वर्कप्लेस. प्रैक्टिस ऑर्गोनॉमिकली मस्ट बी कंटिन्यू टू डेवलप द नीड चेंजिंग कॉम्प्लेक्स द नीड ऑफ क्लाइंट फॉर एविडेंस बेस्ड एवल्यूएशन. क्लाइंट अंदर अप्रोच क्या करेगा वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्रिड वो करेगा कंट्रोल करेगा मैनेजमेंट करेगा ऑर्गोनॉमिकली इन वर्क प्लेसेस. वर्कर वैल्यू पर रिसोर्स रखते हैं जो एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट रिजोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनॉमिक कंसर्न. पीओ क्या करेगा थेरेपिस्ट ऑफ क्लाइंट की थिंकिंग क्रिटिकली एंड अबाउट द ऑर्गेनॉमिकल इश्यूज क्रिएट द सॉल्यूशन एंड डेवलप द प्रैक्टिस ऑफ द ऑर्गेनॉमिक्स. ठीक है, डेफिनेटली जो ऑर्गेनॉमिकली प्रैक्टिस होगा तो वो क्या करेगा आपके कॉम्प्लेक्स नीड जो क्लाइंट है उसको कम करेगा उसको डेफिनेटली नीड्स को या उस नीड्स को पूरा करेगा और जो वर्कर है ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो है ना मैनेजमेंट करेगा वैल्यूएबल रिसोर्सेज की वजह से. दीज आर द बेसिकली पीओ मॉडल.